संसार चमत्कारों से भरा पड़ा है। ईश्वर के इन्हीं चमत्कारों में से एक है इस पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु। साथियों, इन्हीं जीव जंतुओं से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है, मगर मनुष्य की प्रकृति से खिलवाड़ की प्रवृत्ति ने इन जीव जंतुओं के अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह सा लगा दिया है। अगर इन जीवों की घटती हुई संख्या पर गौर किया जाए तो हम देखेंगे कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के सामने इन जीवों के केवल चित्र या जीवाश्म मात्र ही साक्ष्य के तौर पर रह जाएंगे। इसीलिए इन जीवों को संरक्षित एवं मनुष्य से इनका परिचय कराने का सबसे सरल माध्यम है प्राणी उद्यान। साथियों, तुम लोग प्राणी उद्यान को आम बोलचाल की भाषा में चिड़ियाघर कहते हो, तो आओ चलो आज बात करते हैं चिड़ियाघर के बारे में। चिड़ियाघर में विभिन्न प्रजातियों के प्राणियों को इस प्रकार रखा जाता है जिससे उनका संरक्षण भी हो सके, साथ ही मनुष्य को उनके बारे में जानकारी भी दी जा सके। चिड़ियाघर में पशु पक्षियों की सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है, साथ ही इन्हें संतुलित आहार भी दिया जाता है। हमारे देश में लगभग 500 किस्म के जीव जंतु पाए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ ही जीव जंतु चिड़ियाघर में रखे जाते हैं। दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे किसी भी पशु पक्षी को कटघरे में कैद करके रखना कितनी गलत बात है, तो फिर चिड़ियाघर में इन्हें कटघरे में क्यों रखा जाता है? असल में इन्हें चिड़ियाघर में केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं रखा जाता, बल्कि जन सामान्य को इनके बारे में जानकारी देने के लिए भी रखा जाता है। साथ ही ऐसा करते से हम उन प्राणियों की प्रजाति को समाप्त होने से बचा लेते हैं जो अब संख्या में बहुत कम रह गई है। प्राणियों की प्रजाति समाप्त होने का मतलब समझे आप लोग? देखो, जैसे है जल चक्र, पहले बारिश होती है, फिर धूप निकलती है। धूप निकलने के कारण नदियों और तालाबों का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और बादलों का रूप ले लेता है। यही बादल फिर से पानी बरसाते हैं। इसी तरह से है पारिस्थितिकी संतुलन। जल चक्र से कोई भी एक कड़ी कम हो जाए तो प्रकृति में असंतुलन आना निश्चित है। इसी तरह है फूड चेन या भोजन चक्र। वनस्पतियों पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं शाकाहारी जीव जैसे हिरण आदि। हिरण भोजन बनते हैं भेड़ियों का और भेड़िया आदि पर निर्भर होते हैं तेंदुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस भोजन चक्र के पिरामिड में शेर सबसे ऊंचे स्थान पर आता है। किसी भी जंगल में शेर का पाया जाना उस जंगल की संपन्नता दर्शाता है। आइए अब मैं आप लोगों को बताऊं चिड़ियाघर के इतिहास के बारे में। भारत में तो आदिकाल से ही जानवरों को ऋषि मुनियों के आश्रम में पाला जाता था। यहाँ तो जीव जंतुओं की पूजा भी होती है, क्योंकि यहाँ जितने भी देवी देवता हैं उनका वाहन कोई पशु या पक्षी, उसे भी चित्र में अवश्य दर्शाया जाता है। इतिहास में जीव जंतुओं को पाले जाने के ठोस प्रमाण हमें सम्राट अशोक और मुगल शासकों के समय से मिलते हैं। विश्व के सबसे पुराने चिड़ियाघर की स्थापना ऑस्ट्रिया में हुई थी। भारत में सबसे पहली बार सन 1800 में चिड़ियाघर बनवाया गया था कलकत्ता में। लखनऊ के चिड़ियाघर की स्थापना सन 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर हुई थी। साथियों, चिड़ियाघर की स्थापना केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं होती,
बल्कि इसके अनेक उद्देश्य हैं, जैसे दुर्लभ और लुप्तप्राय वन जीवों का संरक्षण, जन सामान्य को वन जीवों के प्रति प्रेम तथा जागरूकता उत्पन्न करना, संरक्षण के लिए उपयोगी अनुसंधान के लिए अवसर प्रदान करना और अनाथ और असहाय वन जीवों हेतु बचाव केंद्र के रूप में कार्य करना। पहले पशु पक्षियों को सलाखों वाले बाड़ों में रखा जाता था। आधुनिक परिपेक्ष में जानवरों और दर्शकों के बीच सलाखों की जगह खाई होती है। खाई के कारण मनुष्य जानवरों और प्रकृति के और भी करीब आ जाते हैं। बाड़ों में जानवरों को जोड़ों में रखा जाता है, जिससे उन्हें पारिवारिक माहौल मिल सके, साथ ही उनकी जनसंख्या भी बढ़ती रहे। साथियों, कभी न कभी तो आप लोग भी बीमार पड़े होंगे। इसी तरह जंगल में रहने वाले जानवर भी बीमार पड़ते हैं। पता है, जानवर जब जंगल में रहते हैं तो बीमार पड़ने पर अपने आप अपना इलाज कर लेते हैं, मगर चिड़ियाघर में जानवरों की चिकित्सा के लिए उनका अस्पताल होता है, जहां डॉक्टर हर समय उपलब्ध रहते हैं। चिड़ियाघर में केवल रीढ़ वाले प्राणी ही रखे जाते हैं। रीढ़ वाले प्राणी 5 प्रकार के होते हैं। मांसाहारी जीव जैसे शेर, गीदड़, तेंदुआ आदि, शाकाहारी जीव जैसे हाथी, जेब्रा, गेंडा आदि, बंदर जैसे लंगूर, बबून आदि, सरीसृप जैसे मगर, सांप आदि, और अंतिम पक्षी जैसे चिड़िया, तोता आदि। बच्चों, अगली बार जब तुम लोग प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर घूमने जाओ तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना। सबसे पहले तो कभी भी अपने साथ पॉलीथीन लेकर चिड़ियाघर मत जाना, क्योंकि पॉलीथीन खाने से इन जीवों की मृत्यु तक हो जाती है। इनको कभी भी परेशान मत करो। इनसे कभी भी ऊंची या तेज आवाज में बात मत करो, क्योंकि इससे ये डर जाते हैं, सहम जाते हैं। इनके बाड़ों से उचित दूरी बनाए रखो। इन बातों को ध्यान रखकर अगली बार जब तुम चिड़ियाघर जाओगे तब देखना इन जीवों से दोस्ती करने में तुम्हें कितना आनंद आता है।